स्पेशल है। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। आज स्थानीय जो आरटीआर राजकीय चिकित्सालय में व्याप्त अनियमितता की जानकारियों के चलते निरीक्षण हेतु दौरा किया। मौके पर प्रतिनिधि मंडल ने अस्पताल में जारी घोर अनियमितताओं का पता चला और जो गवर्नमेंट के नियमों का दरकिनार करने में लगे हुए हैं उनमें से एक डॉक्टर आरिफ भी मिले जो 12 नंबर कमरे में अक्सर बैठते हैं। विभिन्न जांचों जैसे कि रक्त टेस्टिंग, एक्सरे, सीटी स्कैन इत्यादि में मरीजों से अवैध रूप से पैसों की वसूली होना, कुछ डॉक्टरों द्वारा विशेषकर बाहर मौजूद मेडिकल स्टोर पर ही उपलब्ध दवाइयों का लिखा जाना और ओपीडी में डॉक्टरों की अनुपस्थिति, इन सभी चीजों की मौके पर जानकारी लेकर प्रतिनिधिमंडल ने प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक से मुलाकात की और उन्हें इन अनियमितताओं से अवगत कराया, जिसका की संज्ञान लेते हुए उन्होंने शिष्टमंडल से 5 दिनों का समय मांगा, जिसमें कि उन्होंने अपनी तरफ से इन सभी अनियमितताओं के निवारण का वादा किया। कानूनी जंग न्यूज के लिए जिला बुलंदशहर से राजेश गोविल की रिपोर्ट।